नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी जानकारी के साथ। उत्तरकाशी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है, पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित गांवों का जायजा लिया है। कमांडो और कंकराड़ी गांव का भी निरीक्षण किया है, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सीएम ने प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात भी की है और परिस्थितियों के बारे में जानने की कोशिश की है। तो उत्तरकाशी से बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित गांवों का जायजा लिया है। और इसी के साथ ही बड़ी बात यहां पर यह है कि मांडो और कंकराड़ी गांव का निरीक्षण किया है। सीएम ने प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात भी की है, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है, जहां पर सीएम ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया है। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में भारी बारिश देखने को मिल रही है और इस भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। जलस्तर नदियों में लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और कई जगहों से सड़कों के संपर्क टूटने की भी जानकारी सामने आई। तो प्रदेश में बन रहे इस तरह के हालातों को जानने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रभावित क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया, लोगों से मुलाकात की, परिस्थितियों को जाना, हाल देखा किस तरह से बना हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कैलाश जोशी जुड़ गए हैं। कैलाश जोशी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, किस तरह से उन्होंने परिस्थितियों का जायजा लिया और जमीनी स्तर पर फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं? देखिए यस, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त उत्तरकाशी के दौरे पर हैं और उत्तरकाशी पहुंचने के बाद इस वक्त जो है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और वहां पर अपने जहां पर आपदाग्रस्त जो इलाका था वहां पर लोगों से मिल रहे हैं और साथ ही जो प्रभावित लोग हैं उनसे उनका ढांढस बढ़ा रहे हैं। उनके पास क्या व्यवस्था पहुंची या नहीं पहुंची उसका जायजा मुख्यमंत्री उत्तरकाशी में ले रहे हैं। यस कैलाश, अगर बात करें यहाँ पर आसमानी आफत की वजह से कितने लोग सीधे तौर पर और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं? देखिए यस, आपको बता दूं कि उत्तरकाशी में जब बादल फटा था उसके बाद चार लोगों की वहां पर डेथ हो चुकी थी और इस वक्त भी रेस्क्यू कार्य जारी है, कई मकान जमींदोज हो गए थे। इसी को देखते हुए प्रदेश के जो मुखिया हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने आज ये तय किया कि आज क्यों ना जो है आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया जाए और वहां पर लोगों की जो पीड़ा है उसको बांटा जाए। इसीलिए मुख्यमंत्री इस वक्त जो है उत्तरकाशी हैं। 10:11:30 पर यहां से मुख्यमंत्री उत्तरकाशी के लिए रवाना हुए थे और इस वक्त मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको जान रहे हैं, लोगों को किस तरीके से वहां पर राहत कार्य राहत सामग्री मिलनी चाहिए, मिली या नहीं मिली उसका भी वो जो है जायजा ले रहे हैं। कैलाश जोशी, अगर बात करें यहाँ पर जिस तरह से प्रदेश में हालात बने हुए हैं अलग अलग जिलों में अलग अलग क्षेत्रों में, तो ऐसे में अगर बात करें पुष्कर सिंह धामी का, उनका आगे का शेड्यूल किस तरह का है? देखिए यस, इस वक्त उत्तरकाशी में काफी बारिश हो रही है और देहरादून में मौसम खुशनुमा है, धूप निकली हुई है, लेकिन जिस प्रकार जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उसको देखते हुए जैसा आगे मौसम विभाग का अपडेट आएगा, अगर मौसम खुला रहेगा तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी कई पहाड़ी जिलों का दौरा भी कर सकते हैं और आज जिस प्रकार मौसम ने थोड़ा साथ दिया तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी इस वक्त जो है उत्तरकाशी के दौरे पर हैं। आज शाम को वहां से लौटने के बाद फिर जो है मौसम का जैसा भी अपडेट मिलता है उसके आधार पर उनके जो आगे के जो प्रोग्राम हैं, जो शेड्यूल्स हैं वो तय किए जाएंगे। यस चलिए कैलाश जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो मांडो और कंकराड़ी गांव में निरीक्षण किया है, सीएम ने प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात भी की है और प्रदेश में जिस तरह से हालात इस आसमानी आफत की वजह से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं उसको लेकर ग्राउंड जीरो पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और परिस्थितियों का जायजा ले रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मीडिया से बातचीत करते हुए जासूसी प्रकरण पर कहा कि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जब भी राष्ट्र के विकास की कोई बात की जाती है तो कांग्रेस विरोधी करती है। तो वहीं अब संसद सत्र में जब देश के 130 करोड़ जनता की बेहतरी और देश के विकास की बात हो रही थी
तब कांग्रेस ने विरोध करना शुरू कर दिया और कांग्रेस चाहती है कि चीजें उलझी रहे। देश विरोधी शक्तियों से मिलकर बातों को उलझाने का कार्य कांग्रेस ने किया है। देखिए, ये कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जब भी देश और राष्ट्र के लिए कोई बात होती है, देश की संसद के अंदर जब देश की तरक्की की बात होती है, 130 करोड़ लोगों के लिए विकास की योजनाएं बनती थी, तो उससे ठीक एक दिन पहले जो है वो इस प्रकार की चीज आए जिससे कि चीज़ें उलझ जाए और उन पर चर्चा न हो पाए, उन पर बहस न हो पाए, जिससे कि जो है देश का जो विकास है उसको रोकने का प्रयास विदेश की शक्तियों के साथ मिलता है। और देश के अंदर हमेशा से इनका इतिहास रहा है कि केवल विरोध के लिए विरोध करना, कोई ठोस तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, केवल विरोध के लिए विरोध करना है। चले, इसी बीच देहरादून से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। एक्शन में आए सीएम पुष्कर सिंह धामी, 24 आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है, रद्दोबदल किया गया है। पुलिस विभाग में भी कई तबादले हो सकते हैं। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और बड़ी बात यहां पर यह है कि उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, 24 आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है, अलग अलग जिम्मेदारियां उनको क्षेत्रों की जिलों की दी गई है। तो पुलिस विभाग में भी कई तबादले हो सकते हैं, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। तो पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, 24 आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है, नई जिम्मेदारियां दी गई हैं अलग अलग क्षेत्रों की। तो पुलिस विभाग में भी कई तबादले हो सकते हैं, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। तो देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, और इसके साथ साथ बड़ी बात यहां पर यह है कि पुलिस विभाग में भी कई तबादले हो सकते हैं, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। वहीं आईएएस के तबादलों पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया, बड़ी जानकारी आपको बता दें, कांग्रेस ने सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सीनियर्स को दरकिनार ये सरकार कर रही है, अपने चहेतों को प्रदेश सरकार आगे लगा रही है। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रही है। तो प्रदेश में जो प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार भेदभाव कर रही है, सीनियर्स को दरकिनार सरकार की तरफ से किया जा रहा है और अपने चहेतों को प्रदेश सरकार आगे ला रही है। तो आपको बता दें, पुष्कर सिंह धामी जब से मुख्यमंत्री बने हैं उनके बाद से अब तक का ये सबसे पहला और बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है, और इस फेरबदल को लेकर कांग्रेस की तरफ से टिप्पणी की गई है और भेदभाव के सरकार पर आरोप लगाए गए हैं। तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि सीनियर्स को दरकिनार ये सरकार कर रही है और अपने चहेतों को प्रदेश सरकार आगे ला रही है। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल को लेकर भी अब सियासत जोरों पर है, सियासत चरम पर है। तो तबादले को लेकर भी अब राजनीतिक चश्मा कुछ राजनीतिक दलों ने पहन लिया है और उनकी तरफ से लगातार टीका टिप्पणियों का दौर भी अब देखने को मिल रहा है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको अपडेट कर देते हैं, बड़ी खबर बैक टू बैक आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड में राजनीतिक जमीन तलाशने में आम आदमी पार्टी जुट गई है। कल उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, रुड़की में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा संभव है, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो तमाम राजनीतिक दलों की नजर 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों पर है, और आपको बता दें 2022 में अलग अलग राज्यों के चुनाव होने हैं। इसी कड़ी में 2022 में उत्तराखंड में भी चुनाव होने हैं, और इस आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं, और प्रदेश की सियासत भी समय के साथ अब तेज होती हुई दिखाई दे रही है।
और आम आदमी पार्टी के भीतर की जो चाहत है कि विस्तारीकरण अलग अलग प्रदेशों में होना चाहिए, विधानसभा में होना चाहिए, उसी की तलाश में जमीन तलाशने के लिए उत्तराखंड में अब दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जाएंगे। वहां पर वह रुड़की में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा संभव बताई जा रही है। तो आम आदमी पार्टी भीतर अपनी हसरतें लिए लगातार आगे बढ़ रही है और आम आदमी पार्टी चाहती है कि उनकी पार्टी का विस्तार हो सके और इस विस्तारीकरण के मद्देनजर अब आम आदमी पार्टी की नजर उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कैलाश जोशी जुड़ गए हैं। कैलाश जोशी, आम आदमी पार्टी भी अब उत्तराखंड में अपनी जमीन तलाशने में जुट गई है, हालांकि ये गर्भ में छिपा हुआ है। ये बड़ा सवाल कि आम आदमी पार्टी का क्या प्रदर्शन रहता है, क्या प्रदर्शन नहीं रहता है, लेकिन मनीष सिसोदिया वहां पर रुड़की में पहुंचेंगे, फिलहाल क्या तैयारियां हैं? क्योंकि मनीष सिसोदिया जी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि वो कल उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं और उत्तराखंड में रुड़की में जो है जीवनदीप आश्रम है, जीवनदीप आश्रम में मनीष सिसोदिया कल पहुंचेंगे और रुड़की जो जीवनदीप आश्रम है उसमें श्री चंड सती सत्चंडी महायज्ञ में जो है शामिल होकर माँ भगवती का वो आशीर्वाद लेंगे और आराधना करेंगे। उन्होंने अपने ट्वीट से यह भी जानकारी दी है कि उनके मन में एक प्रश्न है, उत्तराखंड के सभी भाई बहनों से वो कल जो है जी चर्चा भी करेंगे। जी यस। और अगर बात करें जिस तरह से आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बिजली यूनिट को लेकर जो वादा किया है, जो घोषणा की थी, उसके बाद प्रदेश की सियासत कितनी बदली हुई है? बिल्कुल यस, आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, तीनों पार्टियों में बिजली के मुद्दे को लेकर राजनीति बिल्कुल गरमाई हुई है। लेकिन अब ये भविष्य के गर्त में है कि कौन सी पार्टी सत्ता में 2022 में काबिज होती है और ये जो बिजली के 300 यूनिट केजरीवाल जी ने कहा है कि बिजली हम 300 यूनिट उत्तराखंड में फ्री देंगे, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम 100 यूनिट बिजली देंगे, कांग्रेस ने कहा है कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि 2022 में कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता पे काबिज होती है, कौन जनता पर जो है अपने किए गए वादों को अमलीजामा पहनाता है। यस कैलाश, शुक्र बात यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल आम आदमी पार्टी प्रदेश में कितनी सक्रिय और किस एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है? बिल्कुल यस, आपको बता दें कि इस वक्त आम आदमी पार्टी का फोकस केवल बिजली के जो 300 यूनिट फ्री देने का वादा उन्होंने किया है उसको लेकर जगह जगह कैंपेनिंग कर रही है और जो जनता के बीच जा रही है और उनका एक गारंटी कार्ड तैयार कर रही है। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी इस वक्त 70 की 70 विधानसभा सीटों पर जो है वो अपना कैंप लगा रही है और लोगों के जो गारंटी कार्ड हैं उनको जो है गारंटी कार्ड बनाकर लोगों को दे रही है। चलिए कैलाश जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, प्रदेश में अब तमाम राजनीतिक दल अपनी सक्रियता को बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपनी अपनी रणनीति के आधार पर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में राजनीतिक जमीन आम आदमी पार्टी तलाशने में जुटी हुई है। अब आपको बता दें, खुद दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया रुड़की में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत लेंगे, आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भी चर्चा संभव है। तो प्रदेश में अब सियासत बदली सी नजर आ रही है। फिलहाल यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पश्मीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कार्यक्रम और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज।
अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड 19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप दो तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। चलिए ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। मंगलवार को घनसाली के बालगंगा तहसील के ग्राम पंचायत मेड़ में ओलावृष्टि हुई, जिसको लेकर क्षेत्रीय विधायक शक्तिलाल शाह और अपर जिलाधिकारी शिवचरण द्विवेदी ने विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों के साथ मिलकर मुआयना किया। वहीं गांव के क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के शीघ्र मरम्मत करने के निर्देश दिए। वहीं विधायक ने प्रभावित क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के किसी भी अधिकारी के न पहुंचने पर नाराजगी जाहिर की। गोटे किनार वाली जो घाटी है, कई गांव प्रभावित हुए हैं बारिश से। मैंने सभी जगह जाकर स्थलीय निरीक्षण किया। मेरे साथ समस्त जिले के जिम्मेदार अधिकारी थे, अपने उप जिलाधिकारी मेरे नहीं अपने साथ उप जिलाधिकारी और पूरा तहसील प्रशासन मेरे साथ था। संबंधित विभाग के सभी लोगों को स्पष्ट निर्देश कर दिए गए हैं कि तत्काल प्रभाव से पेयजल, विद्युत, कई रास्ते खत्म हो चुके हैं बारिश से, उसको ठीक करना, ये सारी प्राथमिकताएं थी। मैंने उन पर आज सघन विचार किए और विचार करने के बाद अधिकारी को निर्देश दिए। तो हल्द्वानी के नगर निगम में सफाई कर्मचारियों का देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के तत्वावधान में अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू हो गया है। सफाई कर्मचारियों ने सफाई कार्य से ठेका प्रथा हटाने और कर्मचारियों की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं सफाई कर्मचारियों का कहना है कि कई सालों से सरकार उनकी मांगों के समाधान पर अमल नहीं कर रही है, अब वह अपनी आवाज देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। सरकारें नगर पालिकाओं को तो नगर निगम बना दे रही हैं, लेकिन कर्मचारियों को ठेका प्रथा के हिसाब से कार्य करना पड़ रहा है। पिछले 2 वर्षों से चल रहा है हमारा 11 सूत्रीय मांग पत्र। हमारी प्रथम मांग ये है हमारे राज्य को सफाई के कार्य से ठेका मुक्त किया जाए। दूसरा, जो वर्षों से काम कर रहे स्वच्छता समिति समीदा आउटसोर्सिंग पे इनको नियमित किया जाए। आप देख रहे हैं, आप नगर पालिकाओं को नगर निगम बना दे रहे हैं, नए नए नगर पंचायत बना दे रहे हैं, किन उद्देश्यों से बना रहे हैं आप? आपके उद्देश्य तो यही थे कर्मचारी रखे जाए, कर्मचारी आप आउटसोर्सिंग से रख दे रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं, हमने पिछले दो वर्षों से हम कहते चले आए प्रदेश सरकार को, आज हमने 19 तारीख को कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी है। परसों हमने माननीय नगर विकास मंत्री को इन सब चीज़ों से अवगत करा दिया, तो उनके आवास का घिराव करा था। वहीं देहरादून के नए जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने कोरोना कर्फ्यू की नई गाइडलाइंस जारी कर दी है और देहरादून में कोरोना कर्फ्यू को 27 जुलाई सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया है, जो देहरादून के क्षेत्रांतर्गत लागू एवं प्रभावी रहेगा। तो जिलाधिकारी का कहना है कि कोरोना अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, हमें और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वहीं लक्सर पहुंची अपर जिला जज नीलम पात्रा ने तहसील परिसर में वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण के दौरान 5 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं अपर जिला जज ने लोगों से अपील की, प्रदेश में हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वृक्षों से हमें जो ऑक्सीजन मिलती है उसकी कीमत बहुमूल्य है। हाल ही में देश ने कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी को झेला था। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो हरेला के पर्व में सप्ताह मनाया जा रहा है, उसके लिए आज हमने वृक्षारोपण किया है अपने पर्यावरण को जीवंत रखने के लिए। और हम संदेश देना चाहेंगे कि सभी लोग, प्रत्येक अगर व्यक्ति एक भी पेड़ साल में एक बार भी लगाए तो हमें ऑक्सीजन की कभी दिक्कत नहीं होगी। और ऑक्सीजन की कीमत को इस देश ने इस बीमारी कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जाना है। वहीं उत्तरकाशी जिले के मांडो, निराकोट और कंकराड़ी में जल प्रलय ने जमकर तबाही मचाई। प्रकृति के इस रौद्र रूप से जान बचाने के लिए हर कोई यहां वहां भाग रहा था।
ऐसा ही एक मंजर मांडो गांव में भी देखने को मिला, जहां जल प्रलय के कारण कई घर मलबे में दब गए। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, लेकिन एक बुजुर्ग ऐसा नहीं कर पाए। इस कारण वो करीब 2.5 घंटे मलबे में फंसे रहे और जानकारी मिलने के बाद स्थानीय युवाओं और पुलिस के जवानों की मदद से बुजुर्ग को सुरक्षित बाहर निकाला गया। चले इसी बीच कुंडली से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। कुंडली बॉर्डर का एक रास्ता खोलने की मांग लगातार की जा रही है। ग्रामीण नहीं जुटा पाए 35 गांव की पंचायत का समर्थन। ग्रामीणों ने पंचायत कर इकट्ठा होने का ऐलान किया था। 60 से 70 लोग ही पैदल मार्च में पहुंचे हैं, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। कुंडली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और तमाम पंचायतों के लोगों का ये कहना है कि रोड जाम होने की वजह से उनका काम तो प्रभावित हो ही रहा है, इसके साथ ही आने जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राम सिंह मार जुड़ गए हैं, जो इस खबर को लगातार कवर करते आ रहे हैं। राम सिंह मार, यहाँ पर अपने आप में एक बड़ी बात है कि जो 35 पंचायतों को इकट्ठा करने की बात कही जा रही थी, महज 60 से 70 लोग ही इकट्ठा हो पाए, तो ऐसे में अब अगला कदम क्या होगा? देखिए यस, जिस प्रकार से आज जो है राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच की तरफ से 35 पंचायतें एक बैनर पर इकट्ठी होने की बात कही गई थी, लेकिन जिस प्रकार से आज देर रात ही पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन द्वारा जो है धारा 144 लगा दी गई और सुबह के टाइम जहां राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच के बैनर तले लोगों का एकत्रित होना शुरू हुआ, तो यहाँ पर चुनिंदा लोग ही पहुंच पाए, 60 से 70 लोग ही पहुंच पाए, क्योंकि एक तरफ जहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा दोनों तरफ से बैरिकेड जो है वो किया गया, बैरिकेटिंग की गई और जो है किसी भी वाहन को अंदर आने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि राय के एजुकेशन सिटी पर एकत्रित होकर यहाँ से पैदल मार्च करते हुए कुंडली बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर पहुंचने की बात कही जा रही थी। लेकिन आज का जो जिस प्रकार से जैसे ही सूचना किसानों को, आंदोलनकारी किसानों को मिली कि कुछ लोग जो है यहाँ पर पहुंचेंगे पैदल मार्च करते हुए, तो किसानों ने अपना मोर्चा स्थल छोड़कर केएमपी के नीचे एकत्रित होना शुरू किया था और यहाँ पर भी जो है टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो इसलिए पुलिस प्रशासन की पहले से ही मौजूदगी थी। और वहीं दूसरी तरफ राय एजुकेशन सिटी के वहां भी दोनों तरफ से पुलिस द्वारा घेराबंदी, पूरी मोर्चाबंदी जो है वो की गई थी ताकि कोई भी अप्रिय घटना घटित ना हो, तो इसलिए जो पंचायत थी पंचायतों को बीच में ही रोक दिया गया है। उन्हें धरना जो जहां पर से एजुकेशन सिटी से शुरू होना था वहीं से आगे नहीं जाने दिया गया है। फिलहाल जो एक तरफ का रास्ता खुलवाने के लिए 35 पंचायत जो है एकत्रित होनी थी वो एकत्रित नहीं हो पाई पूरी तरह से, और अब जो अगली रणनीति है वो यही है कि परिवर्तन मंच की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया है पुलिस प्रशासन को कि वो जल्दी ही बड़ी रणनीति इस पे करने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ का रास्ता जो है वो लगातार मांग कर रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री के नाम भी ज्ञापन जो है पहले सौंपा था और जिला प्रशासन के साथ भी कई बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन रास्ता कोई नहीं निकला, क्योंकि एक तरफ का रास्ता ना खुलने की वजह से तमाम जो औद्योगिक क्षेत्र है और तमाम जो लोग हैं उनकी रोजी रोटी खतरे में है, इसलिए लगातार अलग अलग पंचायतें जो है एकत्रित होकर रास्ता खुलवाने की कवायद तेज करती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आज जो स्थिति देखने को मिली तो केएमपी के नीचे किसान जो है वो एकत्रित हुए मिले, तो पुलिस ने उन्हें समझा कर वापिस भेजा है, क्योंकि दूसरी तरफ जो राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच के बैनर तले 35 पंचायत थी उनको भी वापिस भेज दिया गया है। हालात ये है कि दोनों तरफ से अब बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल है और एक समय ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच टकराव की स्थिति ना हो जाए, इसलिए अब जो है दोनों तरफ से गर्मा गर्मी का माहौल जो नजर आ रहा था वो अब बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से पुलिस प्रशासन की मदद से निपटा लिया गया है। और वहीं दूसरी तरफ किसान जो है मोर्चा की तरफ अपना जाना शुरू हो गए हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच को भी यहाँ से खाली कराना शुरू करा दिया है। जी राम सिंह मार, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए, और अब देखना होगा कि किस रणनीति के साथ वह अब आगे आएंगे। लेकिन आज का जो प्लान ये था कि 35 गांव की पंचायत आगे बढ़ेंगी, किसानों से बातचीत करेंगी, क्योंकि उनको लंबे समय से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर बहादुरगढ़ से है। बड़ी खबर आपको बता दें, इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला टीकरी बॉर्डर पहुंचे हैं, तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आंदोलन में शामिल किसानों को अपना समर्थन देंगे ओपी चौटाला, सेक्टर 9 स्थित महर्षि दयानंद पार्क में किसानों से मुलाकात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी
ओम प्रकाश चौटाला संबोधित करेंगे। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, बहादुरगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला टीकरी बॉर्डर पहुंचे हैं। वह लगातार अब प्रदेश में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और इस सक्रियता का असर तमाम दूसरे राजनीतिक दलों पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वह भी अपनी रणनीति पर अब काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ललित कुमार जुड़ गए हैं। ललित कुमार, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, ये आपको बता दें कि आज ओम प्रकाश चौटाला बहादुरगढ़ पहुंचे हैं और किसानों को समर्थन किया है। उनका कहना है कि किसान हमारी रीढ़ के हड्डी है, इनके बिना देश तरक्की नहीं कर सकता। और पिछले 8 महीने से लगातार किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए और तुरंत प्रभाव से इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना चाहिए और MSP पर कानून बना देना चाहिए। और उनका कहना है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हरियाणा में हम पहले कदम से इसे निरस्त करेंगे। हरियाणा में और समान ग्राम समान जो है MSP दिया जाएगा, उसी को लेकर आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बहादुरगढ़ में पहुंचे हैं और किसानों से मुलाकात की है। और उनका कहना है कि जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, यह लुटेरों की सरकार है, न कि किसानों के हितों की सरकार है। जनता जब रोष में आएगी तो सरकार को बदली करेगी। और ओम प्रकाश चौटाला का साफ कहना है कि मुझे लग रहा है कि यह सरकार बीच में गिरेगी और इलेक्शन बीच मध्यवर्ती इलेक्शन होंगे जिसमें जनता और किसान अपनी सरकार बनाएंगे और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करेंगे। जी चलिए ललित, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, किसान धरनारत है, आक्रोशित है और अपनी मांगों को सरकार के सामने लगातार रख रहे हैं। और अब आपको बता दें कि आगे की रणनीति पर भी किसान काम कर रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना है, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए खबर फास्ट। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। तेज